क्या आपका आज की हमारी जो क्लास है उसमें हमारा विषय अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानियां। इससे जो पहले की हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ। इसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानियां। राष्ट्रीय व्यापार की हानियां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानियां। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सामान्यतः लाभदायक माना जाता है, किंतु इसमें कई प्रकार की हानियां हैं। एक नजर देखें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और एक लाभ की दृष्टि से देखता है, परंतु इसमें कुछ हानियां हैं। और जो हानियां हैं वे निम्नलिखित हैं। एक पहला है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। वर्तमान के औद्योगिक में मानव अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने स्वार्थ अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए एक बाजार एक प्रतिस्पर्धा सी बन गई है। और उस प्रतिस्पर्धा के कारण और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो बार बार पास जो प्राकृतिक संसाधन है मानव उनका अधिकतम दोहन कर रहा है। अधिक मूल्य एवं अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का बड़े स्तर पर क्या है क्या नुकसान किया गया है और इनका दोहन किया गया है। बहुत से देशों में खनिज तेल है, पेट्रोल है, मैंगनीज है, मैंगनीज खनिज तेल। वर्तमान में इन ऐसे जो खनिज है इनका दोहन इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है, इतने अधिक बड़े स्तर पर हो रहा है कि इनके जो संचित भंडार है कुछ ही समय में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने क्या है जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बहुत नुकसान पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, दूसरी जो हानि है देश का एकांक विकास। देश का एकांकी विकास, देश के एकांकी विकास में देखो आप कोई भी देश किसी एक वस्तु में विशिष्टीकरण या कुशलता हासिल कर लेता है और उस विशिष्टीकरण एवं कुशलता के कारण वो एक ही वस्तु का उत्पादन करने लगता है और उसका ही अधिकतम निर्यात करना है, जिससे क्या होता है वो एक क्षेत्र में विकास कर लेता है परंतु जो अन्य जो उसके क्षेत्र है अन्य जो चीजें उनके उत्पादन पर वो ध्यान नहीं दे पाता, जिससे वो क्षेत्र सारे पिछड़ जाते हैं और केवल एक वस्तु विशेष या विशिष्टीकरण चीज का क्या होता है विकास होता है, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कारण एक वस्तु के उत्पादन कर रहा है परंतु जो अन्य वस्तुएं अन्य वस्तुओं को अन्य देश क्या है कम कीमत पर क्या तैयार कर रहे हैं, कम लागत पर उनको तैयार कर रहे हैं, जिससे क्या है उसकी जो निर्मित वस्तु है बाजार में टिक नहीं पाती, केवल एक विशिष्ट कुशलतम वस्तु क्या बाजार में टिक पाती है। इसलिए देश क्या होता है एकांकी विकास। तीसरी जो हानि है विदेशी निर्भरता। विदेशी निर्भरता, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कारण एक देश दूसरे देश पर निर्भर है, क्योंकि प्रत्येक देश में विशिष्ट वस्तु अच्छी वस्तु तैयार करके मतलब तैयार नहीं हो पाती, इसलिए वह अन्य वस्तु करता है आयात करता है और वो दूसरे देश में क्या हो जाता है निर्भर होता हो जाता है, जिससे और इसकी निर्भरता कारण जो स्वावलंबन की भावना है स्वावलंबन की जो भावना है
वह विकसित नहीं हो पाती हो पाती स्वावलंबन की भावना विकसित नहीं हो पाती। और आपातकालीन युद्ध काल में जब किसी देश से हमारे संबंध बिगड़ जाए या आपातकाल लग जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी समस्या खड़े हो जाए जिससे क्या होता है आयात और निर्यात बाधित होता है या उसके आयात निर्यात क्या है समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे देश को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। आर्थिक निर्यात बाधित होगा तो क्या होगा आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर्थिक संकट उत्पन्न। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब तो चौथी जो हमारे यहाँ है वो देखो विदेशी प्रतियोगिताओं का प्रतिकूल प्रभाव। विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। अब देखो विदेशों से जो सस्ती वस्तुएं आती हैं कोई भी विदेशों से वस्तु आज स्थिर प्राप्त है विदेशी वस्तु से जो घरेलू जो उद्योग है उन पर क्या है खतरा उत्पन्न हो रहा है क्योंकि जो घरेलू उद्योग है उस वस्तु को कम कीमत पर तैयार कम लागत पर तैयार नहीं कर पाते। इस कारण से उस वस्तु की कीमत क्या होती है अधिक होती है और इनकी क्या होती है कम। जैसे देख लो चीन से भारत बड़ी मात्रा में खिलौने इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं उनकी भारत में बहुत ज्यादा मांग है क्योंकि उनकी लागत क्या वस्तु की लागत कम है और इसलिए उनकी भारत की कीमत भी क्या है कम। और भारत में जो वस्तुएं तैयार होती हैं उनमें लागत क्या है अधिक इसलिए उनकी कीमत भी क्या है अधिक है। इस कारण जो घरेलू उद्योगों में जो वस्तुएं तैयार हो रही हैं उनकी बाजार में मांग कम होने के कारण क्या है उन उद्योग के भविष्य पर क्या है खतरा उत्पन्न हो गया है। और ब्रिटिश काल में इस प्रतियोगिता के कारण असंख्य घरेलू एवं कुटीर उद्योग क्या हो गए थे भारत के समाप्त हो गए थे नष्ट हो गए थे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है विदेशी प्रतियोगिता प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है घरेलू जो उद्योग धंधे होते हैं उन पर भी क्या है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है इसके अलावा राजनीतिक ढांचा साधन संपन्न विदेशी पूंजीपति शासन साधन संपन्न राजनीति से क्या होता है जो पूंजीपति वर्ग होता है पूंजीपति वर्ग कमजोर देशों में अपने उद्योग स्थापित कर क्या करता है अपने उद्योग स्थापित कर वहां आधिपत्य जमाने लगते हैं। आधिपत्य जमाने लगते हैं पूंजीपति लोग क्या कमजोर देश होते हैं वहां पर अपने उद्योग माध्यम से वहां की जमीन खरीद लेते हैं और वहां पर अपना प्रभुत्व जमाने लगते हैं। और जिसके कारण वर्तमान में इस वैश्वीकरण के कारण एक नव उपनिवेशवाद का जन्म हो रहा है। किस जन्म हो रहा है नव उपनिवेशवाद का।
इसका जो प्रमुख कारण क्या है, जो कमजोर देश है, विकसित देश है, वहां पर जो विकसित देशों के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वहां पर उद्योग स्थापित कर वहां की जमीन भूमियों का अधिग्रहण कर लेते हैं और धीरे धीरे वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे राजनीतिक दासता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, फिर से हम देखते हैं जो हानियां हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, एक एक करके सबको एक नजर में। पहली जो हानि है देश का एकांगी विकास, देश का एकांगी विकास। देश का एकांगी विकास, दूसरा है विदेशी निर्भरता, विदेशी निर्भरता, तीसरा विदेशी प्रतियोगिता प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, चौथी जो समस्या है विदेशी निर्भरता, निर्भरता, पांचवा है राजनीतिक दासता। राजनीतिक दासता ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानियां। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बस इतना ही, पक्ष हो गए, आधार हो गए, प्रकार हो गए और लाभ का हानि होगी। इससे जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन GATT एवं WTO के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद मित्रों।